एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बैक टू बैक विनिंग हैट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के फाइनल मुकाबले की, जो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है न्यूज़ वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मैच प्रिडिक्शन। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। बात करें अगर इन दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 27 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस ने 15 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 12 मुकाबलों में जीत हासिल की है। दोस्तों, आपसे एक और बात कहनी थी कि हमारा चैनल कोई आईपीएल प्रेडिक्शन चैनल नहीं है। इस पर आपको हर तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसलिए जिस तरह से आपने आईपीएल में हमारे आईपीएल प्रेडिक्शन वीडियोस को सराहा है, हमें उम्मीद है कि आप आईपीएल के बाद भी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 2020 में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से तीनों मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा बादशाह भाई का, मैं इनका काम काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, ये 100% करेक्ट रिपोर्ट देते हैं। मैच और टॉस तो पास कराते ही हैं, साथ में सेशन में भी फुल प्रॉफिट कराते हैं। अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो ये आईपीएल का फाइनल मैच आपको फुल प्रॉफिट के साथ जिता कर देंगे। इसलिए मैं आपको एक बार सजेस्ट करता हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज ज़रूर करिएगा, जिससे कि अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हो सके। ये नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की, तो हमें दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे शिखर धवन, अंजिक रहाणे या मार्कस स्टोइनिस में से कोई एक। नंबर 3 पर नजर आएंगे श्रेयस अय्यर और नंबर 4 पर ऋषभ पंत देखने को मिलेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की, तो अगर मार्कस स्टोइनिस ओपनिंग नहीं करते हैं तो मिडिल ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस नजर आएंगे, सिमरन हेडमायर और अक्षर पटेल खेलते हुए दिखेंगे। बात करें अगर बॉलिंग लाइनअप की, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जिसमें मौजूद हैं रविंद्र चंद अश्विन, किशोर अबाडा, एंदिक नाथजे, हर्षल पटेल या प्रवीण दुबे में से कोई एक। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीत पाएगी? इससे पहले जानेंगे हम क्या रहेगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, तो हमें एमआई की ओर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक। नंबर 3 पर नजर आएंगे इनफॉर्म बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और नंबर 4 पर ईशान किशन खेलते हुए दिखेंगे। बात करें अगर मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसमें मौजूद हैं किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और नाथन कुल्टर नायल। बात करें अगर बॉलिंग लाइनअप की, तो हमें देखने को मिलेंगे राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दोनों ही टीमों की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी बेहतरीन है। दिल्ली की तरफ से जहाँ किशोर अबाडा 29 विकेट ले चुके हैं, वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से जसप्रीत बुमराह 27 विकेट ले चुके हैं। बात करें अगर ग्राउंड रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा, जहां पर काफ़ी बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलता, 168 रन यहां का एवरेज स्कोर रहता है। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा मुकाबले जीतती है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, टीम न्यूज़ की और ग्राउंड रिपोर्ट की, अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए अभी तक के आईपीएल के सारे मैच फ्री में दिए हैं, लेकिन आज की हमारी प्रिडिक्शन पेड रहने वाली है। अगर आपको 100% करेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हमारे टीम के व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश, और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।